हेलो गाइस, तो फाइनली मेरी जर्नी हो गई शुरू और मैं जा रहा हूँ जोधपुर से नैनीताल के लिए। ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप भी बोल सकते हैं और फर्स्ट वीडियो व्लॉग चैनल भी। तो देखते हैं कैसे होती है जर्नी, प्लीज़ जुड़े रहिएगा। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आप देख रहे हैं आउट ऑफ द वे। फाइनली 50% जर्नी मेरी हो चुकी है पूरी। मैं पहुंच गया और दिल्ली के ओल्ड स्टेशन पे और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे मुझे लगता है कि 6 से 8 घंटे लगने चाहिए पूरी जर्नी को ख़त्म होने में। यहाँ से मैं पहुँचूँगा घाट गोदाम और घाट गोदाम से मैं जाऊँगा नैनीताल। देखते रहिए और जुड़े रहिए। तो राइट नाउ मैं घाट गोदाम स्टेशन पर हूँ और मैं यहाँ से नैनीताल के लिए जर्नी करूँगा। इसी सफर के साथ मैं पहुंच गया हूँ नैनीताल फाइनली, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ। मैं हो चुका हूँ रेडी और जाने के लिए घूमने के लिए नैनीताल। तो मैं सोचा पहले पेट पूजा कर लेनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया आलू का पराठा। व्यू बताऊं मैं, तो माल रोड की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि यहाँ पर तो बोटिंग भी बहुत ज्यादा सुंदर है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ। क्योंकि जिस तरह यहाँ का व्यू है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे बोटिंग का भी इंजॉय करना चाहिए। हालांकि मैं भी करता, बट मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अदर प्लेसेस कवर करूँ और आपको दिखाऊँ, और अगर उसके पास मेरे पास कुछ टाइम बचता है तो हाँ ज़रूर मैं ये बोटिंग ज़रूर करना चाहूँगा। पूछा माल रोड के आगे चलते चलते यहाँ पर एक बहुत अच्छे अच्छे प्ले ग्राउंड बने और यहाँ पे क्रिकेट का मैच भी चल रहा है और कुछ बच्चे बास्केटबॉल वगैरह भी खेल रहे हैं। इधर के मार्केट को देखते हुए मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, काश मैं भी इधर से कुछ लेकर जाऊँ, लेकिन वो कहते ना कभी कभी बजट टूर को देखते हुए सब मैनेज करना पड़ता है। तो हाँ मैं नहीं, लेकिन आप ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाओ। बहुत प्यारे जैकेट्स है और ये नैना देवी मंदिर टेम्पल आ चुका है। और अब तो बहुत स्पेशल जगह पे जा रहा हूँ मैं, जिस जो कि है बहुत ऊंचाई पर, और वहाँ से देखेंगे हिमालय पॉइंट, देखते कैसा दिखता है। मैं जा रहा था ऊपर रोपवे की रोड पे, देन मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी प्लेस भी है बच्चों के लिए और कुछ चीज़ें बड़ों के लिए भी, और यहाँ पे कुछ जंपिंग वाली चीज़ें भी है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एंजॉय आएगा। तो अगर आपको थोड़े रेस्ट करना और आपके बच्चों को थोड़ा एंजॉय करना हो तो ये बहुत सेफ प्लेस है, करने तो वो भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय को ना गवाते हुए अपन सीधा चलते हैं स्नो व्यू पॉइंट, और ऊपर जाते जाते मैंने अभी क्या देखा, आप देखिए ये है स्नो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऊपर जाते जाते। देखते हैं अभी ऊपर जाकर किस तरीके से, तो थोड़ा सा ट्रैकिंग फील भी आएगा आपको यहाँ पर चढ़ते हुए और ऊपर जाकर स्नो व्यू को देखते हुए। देखते कैसा होता है ऊपर आते आते, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि ये जो मुझे खोल रखा है ना स्वेटर, उसको बंद कर देना चाहिए।
तो फाइनली मैं आ गया ऊपर, और पीछे अगर आपको लग रहा होगा नज़र आएगा इस मूवी पर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी लग रही है, मेरी सेल्फी स्टिक बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। तो अभी तो आपको इसमें तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं कुछ कैमरे के शॉट्स बताता हूँ आपको और कुछ पिक्स बताता हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे ये स्नो व्यू पॉइंट देखने के बाद में, मतलब क्या, हाँ एक वो कहते ना कभी ट्रिप सक्सेस होना, तो मेरी हो चुकी है जिस तरह से मैंने अभी ये हिमालय पर्वत देखी है, और ये जो प्यारी प्यारी बर्फ है ना, तो बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बर्फ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेरा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली रोपवे का टाइम हो गया है और मुझे अब जाना चाहिए, क्योंकि रोपवे अपन हमें घूमने के लिए सिर्फ एक घंटा देता है, तो चढ़ चढ़ के मैं बहुत थक गया, आप मेरी सांस फूलते हुए देख सकते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि कुछ गंदगी ना हो, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ दारू की, कांच की, प्लास्टिक की बोतलें सब पड़ी है। प्लास्टिक आप जानते हैं वैसे भी बहुत ख़राब है, और कांच की बोतल किसी के पाँव पर चुप भी सकती, कोई खेलने इन्जॉय करने आते हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो फाइनली मैं आ गया केव गार्डन की तरफ, और केव गार्डन में मैंने आकर करने का यही प्लान था कि हर कोई कह रहा था कि केव गार्डन जरूर जाना अच्छा है, अब अंदर जाकर देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया ये टिकट, और ये मुझे पड़ा कुछ 60 रुपये का, तो देखते हैं अब इसमें 60 रुपये वाला मुझे आता है या नहीं आता है। तो एंट्री आपको कुछ इस तरह नज़र आएगी, बहुत प्यारा रास्ता है यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या नजर आता है। थोड़ा सा झुक झुक के जाना पड़ेगा, और मेरी बैटरी भी बंद होगी लाइट की, लेट्स सी चला, ओके जल्दी। बहुत ज्यादा पतली जगह है ना, हम आगे बढ़ के देखते हैं, वेलग्रीन्स वाली फीलिंग आ रही है, चलिए लेट्स गो। उतरा जाए, बहुत सही जगह, देख सकते हैं कितना ज्यादा सकरा रास्ता है ये। अब आएगा तो बड़े ध्यान से, सर को बचाइएगा जरूर। तो अब मैं आगे जा रहा हूँ, तो आगे देखते हैं कि कैसा व्यू आता है। तो ये मार्केट एरिया से शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप फ्री टाइम में मूवी वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हॉल भी है, और यहाँ पर भी आप पा सकते हैं। हालांकि अभी तो सल्लू भाई की मूवी लगी हुई है, पैदल पैदल चलकर भी ये सब व्यू का एंजॉय करना चाहिए, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। और हाँ, एक वो ठंडी ठंडी सी माहौल में धूप का जो ये मज़ा आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो फाइनली मेरी नैनीताल की जर्नी हो चुकी है, और मैं अभी पैदल चलते चलते अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। तो हाँ, थक गया हूँ, बहुत अच्छा भी लगा, बहुत अच्छी प्लेस भी है, और अगर इधर की घूमने की बात करूँ तो बहुत प्यारी प्यारी प्लेसेस है। और यहाँ के लोगों की बात मैं वापस से कहूँगा कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्यारे लोग हैं, आपको बहुत प्यार से गाइड करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे कि कहाँ पर आपको जाना है, क्या करना है। अगर यूजली अगर आप बात करें कि टैक्सी यहाँ पर लें, तो मैं तो कहूँगा कि जो साइड सीन्स वगैरह हैं आप अवॉइड करें टैक्सी को, इफ़ अगर आप कैपेबल हैं तो, अगर आपके साथ फैमिली वगैरह है तो प्लीज़ आप टैक्सी वगैरह हायर ज़रूर करें। और हाँ, यूजली मैंने तो एक दिन में कवर कर लिया, बट नेक्स्ट डे के लिए रानी खेत जैसी कुछ प्लेसेस भी है जो मुझे कवर करनी चाहिए, बट आई थिंक, तो नेक्स्ट प्लेस जैसे कि हरिद्वार, तो आई थिंक अब उसके लिए मेरे को अभी निकलना पड़ेगा। मैंने अभी यहाँ पे पता किया, यहाँ से जाते ही 8 बजे एक बस, जो कि मुझे ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ेगी,
तो देखते हैं, अभी मैं थोड़ी देर होटल जाकर देखता हूँ, जब अगर मेरे को लगा कि हाँ मुझे जर्नी करनी चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा, और अगर लगा कि नहीं अभी अवॉइड कर देते तो अवॉइड भी करेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा लगा, अच्छे लोग मिले, कहीं सोलो ट्रिप के मेरे को कुछ बंदे भी मिले जिनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप मेरी हालत देख सकते कि कैसा हाल हो रहा है मेरा। तो हाँ, अभी थोड़ा वीडियो हिल रहा होगा क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग गई और रजाई में घुसने का टाइम हो गया है, तो इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। ओके बाय, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने सोचा आज इसको एडिट कर अपलोड कर दिया जाए, लेट्स सी होता है नहीं होता। तो हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं और बताएं, और थोड़ा माइंड कम करिएगा, मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, मैं धीरे धीरे इस पर इम्प्रूव करूँगा, लेकिन हाँ मेरी गलतियाँ जरूर बताएगा, और अगर अच्छा लगे तो तारीफ भी जरूर कमेंट सेशन में कीजिएगा, और बाय बाय, देखते रहिए आउट ऑफ द वे। पार्वती रेस्टोरेंट, यहाँ पे चाय भी बहुत अच्छी मिलती है, नाश्ता तो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग मिलता है। दादा हाय कर दो कैमरे में। ओके।